नमस्कार, न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। ग्रीटिंग शुरुआत करेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज जेवी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के गांधी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। कार्यक्रम का शुभारंभ महामहिम राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने महसूस किया है कि यहाँ की हवा, सोच, तकनीकी आदि कई चीजों में बदलाव आया है। उन्होंने कहा है कि हम सबको अपने कार्यों के प्रति निष्ठा रखना चाहिए क्योंकि हम अपने कार्यों से ही एक बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यह विश्वविद्यालय साधारण विश्वविद्यालय नहीं, ये विश्वविद्यालय अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। उन्होंने कहा है कि यहाँ के विश्वविद्यालय और शिक्षकों के द्वारा आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। साथ ही यह संस्था सिर्फ पढ़ाई करने का नहीं बल्कि इस संस्था के माध्यम से शोध कर समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि बेटियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। पौड़ी जिले के नैनी डांडा ब्लॉक से दो छात्र आयुष ध्यानी और अमन सुंदरियाल के नाम इस बार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए भेजा गया है। दोनों छात्र राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 9वीं कक्षा के छात्र हैं, जिन्होंने इस साल 2022 के फायर सीजन के दौरान अपने स्कूल के पास फैलती आग को बुझाने में अपनी जान की परवाह नहीं किए बिना ही दोनों ने अपना अहम योगदान दिया है। साथ ही दोनों छात्रा ने 13 मई 2022 को स्कूल के पास लगी आग पर काबू भी पाया है। छात्रों के साथ स्कूल की प्रधानाध्यापिका मीना रवि ने भी आग को बुझाने में प्रयास किया है। ऐसे में छात्रों के साहस को देखते हुए दोनों छात्रों के नाम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के उत्तराखंड से भेजे गए हैं। वहीं छात्रों ने कहा है कि विनाशीन की घटना कि रोकने के लिए उन्होंने यह कदम तब उठाया जब स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। तब स्कूल की प्रिंसिपल को अकेले स्कूल के पास लगी आग को बुझाता देख वे आग बुझाने में जुट गए। साथ ही काफ़ी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर बिष्ट ने दोनों छात्रों को फ़ोन कर बधाई दी है और छात्रों को इस साहस की तारीफ की है। ये एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कन्या हाई स्कूल डुंगरी विकासखंड नैनी डांडा के दो छात्रों को आग बुझाने के कारण जो है वीरता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ये बड़ा हर्ष का विषय है। और ये दो छात्र हमारे एक अमन सुंदरियाल और आयुष ध्यानी, ये दो बच्चे हैं जो कि 9th क्लास के हैं। वह ऐसा था कि विगत मई में जब स्कूल के पीछे बिल्डिंग के पीछे जो है जंगल में आग लग गई थी, तो वहाँ पर जो हमारी प्रभारी प्रधानाचार्य हैं मीना रवि, वो स्वयं आग बुझा रही थी। और क्योंकि छुट्टी हो चुकी थी, पर इन बच्चों ने दूर से देखा कि हमारी मैडम जो है आग बुझा रही हैं और जंगल में आग लग गई है। तो ये दो बच्चे जो हैं वापस आ गए और उन्होंने मैडम के साथ में आग बुझाने का काम किया है। तो ये सिद्ध करता है कि बच्चों को इस बात का भान है कि आग कितनी भयंकर होती है, आग से क्या क्या हानियां होती हैं। नाम आयुष ध्यानी है, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुंगरी नैनी डांडा पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड है। हमारे लिए ये बड़े गर्व का क्षण है कि हमारा नाम वीरता पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है। हम छुट्टी के बाद अपने घर को जा रहे थे, तभी हमने देखा कि विद्यालय के ऊपर वाले क्षेत्र में काफ़ी आग लगी हुई थी और हमारी प्रधानाचार्य जी अकेले उस आग को बुझाने का कार्य कर रही हैं। हम दोनों ही उनके सहयोग हेतु उनके पास गए। वह विद्यालय से कुदाल व तसला ले जाकर मिट्टी डालकर आग को बुझाया। इस कार्य को करने में लगभग 2 घंटे का समय लगा। हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जंगल में आग नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आग लगाने से प्राकृतिक संपदा व जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है। विद्यालय, मैं कक्षा 9 का छात्र हूं। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुंगरी नैनी डांडा पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड है। हमारे लिए ये बड़े ही गर्व का क्षण है कि हमारा नाम वीरता पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है। हम छुट्टी के बाद अपने घर को जा रहे थे, तभी हमने देखा कि
विद्यालय के ऊपर वाले क्षेत्र में काफ़ी आग लगी हुई है और हमारी प्रधानाचार्य जी अकेले उस आग को बुझाने का। केछुआ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर के द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिस दौरान रुद्रपुर नगर पुलिस अधीक्षक और सितारगंज क्षेत्र अधिकारी द्वारा थाना अध्यक्ष पुल भट्टा में ड्रग्स तस्करी साथ ही अवैध बिक्री के संदर्भ में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें केछुआ के थाना अध्यक्ष पुल भट्टा और उनकी टीम द्वारा दो सगे भाई के पास से 5 किलो चरस के साथ ही बुलेट मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। ऋषिकेश की आईडीपीएल कॉलोनी में रहने वाले सैकड़ों लोगों ने सेव द आईडीपीएल बैनर के तले क्षेत्र में मशाल जुलूस निकाला है। मशाल जुलूस के माध्यम से लोगों ने सरकार से कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बेघर नहीं करने की अपील की है। लोगों का कहना है कि फैक्ट्री भले ही सरकार ने बंद कर दी है, मगर अपने जीवन में कई अहम साल उन्होंने फैक्ट्री चलाने के लिए दिए हैं। अब आईडीपीएल की लीज खत्म होने के नाम पर लोगों ने बेघर करने की साजिश रची जा रही है। सरकार को यदि आईडीपीएल कॉलोनी खाली करानी है तो किसी भी योजना के तहत आईडीपीएल में रहने वाले लोगों को पहले जमीन उपलब्ध कराकर बसाया जाए। उन्होंने ये चेतावनी दी है, यदि बिना विस्थापन के कॉलोनी को जबरदस्ती खाली कराने की कोशिश की जाएगी तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हमारे प्रदेश की संवेदनशील सरकार भी हम हजारों परिवारों के भविष्य को लेकर कोई उचित फैसला ले, उचित निर्णय ले, या फिर अगर इसमें किसी तरह की तकनीकी समस्याएं आती हैं तो अभी कैबिनेट की मंजूरी के पश्चात जो पुनर्वास 2022 नीति लागू करी गई है, उस नीति के पुनर्वास नीति के तहत हम हजारों परिवारों को पुनर्वास करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई जाए। और हम पूरी उम्मीद करते हैं, हमें पूरा यकीन है कि हमारे देश की जितनी संवेदनशील सरकार है, हमारे देश के हमारे प्रदेश के जो इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो हम हजारों परिवारों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय अवश्य लेंगे। और अब तक के लिए हमारे हजारों परिवारों के भविष्य को लेकर जो चिंता व्यक्त करी गई है और जो सहयोग प्रदान किया गया है माननीय मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी की तरफ से, हम हजारों परिवार हृदय तल की गहराई से उनका आभार व्यक्त करते हैं। अब खबर संभल से है, जहां पर पुलिस कस्टडी से छूटकर भागी महिला को पकड़ने दौड़ी दो महिला पुलिसकर्मियों पर महिलाओं ने हमला किया है, जिसके बाद से घायल हुई दोनों महिला को पुलिसकर्मियों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और आपको बता दें कि CGM कोर्ट में पेशी के लिए महिलाएं आई थी। जैसे ही आ रही थी ना, सर ने कहा कि इस महिला को पकड़ो पकड़ो, ये पागल है, तो हम जैसे ही पकड़ने को चले ना तो उसने गुट्टा भर लिया हमारा। अच्छा, उस महिला ने काट दिया आपके? हाँ, किसी और के भी काटा है? एक दूसरी लड़की है, मोनिका चौधरी, उसके यहाँ पे। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राखी राजपूत। अच्छा, वो कौन महिला थी? सर ये मुझे जानकारी नहीं है, वो बाहर से आई हुई थी, कोई लेके आए थे उन्हें, मैं महिला उसमें हूँ न्यायालय सुरक्षा में, मुझे उसकी जानकारी नहीं है ज्यादा। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली पुलिस और आपको बता दें कि SOG की मदद से बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल 5 लाख रुपए की लूट की घटना का खुलासा हो गया है और ठेकेदार के पास से नकदी बरामद की गई है। पूरे मामले में SP अतुल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस जांच में 5 लाख रुपए की लूट की घटना फर्जी निकली है। दरअसल ठेकेदार के पास से ही नकदी बरामद की गई है। ठेकेदार ने अवैध तमचेक से गाड़ी पर खुद से फायरिंग झोंका है और साथ ही फिलहाल लूट की घटना रचने वाले आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रांजल गुप्ता संवाददाता है, पीलीभीत से वो जुड़ गए हैं। प्रांजल, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि 5 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, कैसे पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली और किस तरीके से इस मामले का पुलिस ने खुलासा किया?
जी आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से ये बीती रात जो घटना जो घटी है आज से एक दिन 24 घंटे पहले पूर्व 5 लाख की यहाँ पे लूट यहाँ पे दिखाई गई थी। और जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो जांच में जो है पाया गया कि ये जो है ठेकेदार अपने आप को बताता है ठेकेदार है जिसको काफी कर्ज इसको यहाँ पर देखने को मिला कर्ज था इस ऊपर जिसके कर्ज से बचने के लिए इसने पूरी साजिश रची खुद ही जो है अपनी गाड़ी में फायरिंग की और उसके बाद खुद ही पुलिस को सूचना दी कि मेरे साथ लूट हो गई लूट की घटना इसने दी है। उसके बाद पुलिस ने तत्परता से पूरे मामले में जांच की जांच के बाद जो है पाया कि फर्जी जो है लूट की जो है घटना यहाँ पर साबित की हुई इसी मामले में इसको जो है गिरफ्तार करके झूठी सूचना देने और झूठी लूट की घटना दिखाने के मामले में इसको जेल भेजा गया है। प्रांजल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से इस मामले को लेकर इस का खुलासा हुआ है आरोपी से बातचीत हुई होगी पुलिस का आरोपी का क्या कुछ कहना है इस मामले पर। आरोपी ने जिस तरीके पुलिस ने जब इस आरोपी से बात की तो आरोपी का साफ तौर से अपना जो कबूल उसने खुद ही जो है पूरे मामले को कबूलाया कि उसके पास से जिस तरीके खोखा और बरामद हुआ है अवैध तमंचा भी इसके बाद बरामद हुआ तो कहीं ना कहीं जो है पूरा मामला कर्ज से जुड़ा हुआ था कर्ज इसमें बहुत ज्यादा था उससे बचने के लिए पूरी इसने साजिश जो है मनगढ़ंत कहानी गढ़ के और पुलिस को गुमराह करने का ये पूरा काम किया है। प्रांजल जिस तरीके से गुमराह करने की बात आप बता रहे हैं और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी मात्रा में 5 लाख रुपए की लूट की घटना का ये खुलासा हुआ है इस दौरान और क्या कुछ बरामद किया गया है। पुलिस ने इसके पास से जो अवैध जो असला था वो बरामद किया है अवैध कारतूस बरामद किए हैं उसके अलावा जो नकदी जो लूट की जो बताई जा रही थी वो बरामद की है 3 लाख से ऊपर की रकम जो है इसके पास से बरामद हुई है वो सारी चीजें इसके पास से जो है बरामद हुई है खुद ही जो है फायरिंग की और खुद ही जो है सूचना दी ये इस पूरे मामले में इसको जो है पुलिस ने तत्परता से इसको गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल भेजने की तैयारी कर दी है। जी चलिए प्रांजल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आगे भी आपसे हम ऐसे ही अपडेट लेते रहेंगे। अमेठी कस्बे के एसपी की मौजूदगी में पुलिस ने बिना हेलमेट में कई वाहनों के चालान काटे हैं। अमेठी के वाहन चेकिंग अभियान के दौरान यातायात महीने निकाले गए हैं साथ ही यातायात महीने में लगातार जागरूकता चेकिंग अभियान का असर नहीं हुआ है। पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में यह चेकिंग अभियान चलाया गया है और साथ ही अमेठी कस्बे में एसपी की मौजूदगी में पुलिस ने बिना हेलमेट के ही कई वाहनों के चालान काटते हुए पुलिस नजर आए हैं। बता दें आपको कि अमेठी की यह खबर बता रहे हैं जहां पर लगातार पुलिस सतर्क नजर आ रही है जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और जो लोग हैं वहां जो सड़कों पर जो बिना हेलमेट के नजर आ रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं साथ ही वहां के आसपास के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और बता दें कि लगातार पुलिस ये चेकिंग अभियान चला रही है और साथ ही ये जागरूकता चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है अमेठी में जहाँ पर आपको बता दें कि जो सड़कों पर वाहन होते हैं उसको लेकर लोगों को जागरूक करती हुई पुलिस नज़र आ रही है कि जिस तरीके से आए दिन सड़कों पर जो घटनाएं देखने को मिलती है ज़्यादातर जो लोग हैं वो हेलमेट नहीं पहने हुए नज़र आते हैं और ये लगातार पुलिस की जागरूकता चेकिंग अभियान अमेठी में जहाँ पर लगातार पुलिस जो है लोगों को जागरूक करते हुए आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से नज़र आ रही है और इस दौरान लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं जो लोग हेलमेट नहीं पहने हुए वहाँ पर नज़र आए और इस दौरान पुलिस के तमाम बड़े ऑफिसर से लेकर वहाँ पर मौजूद थे और वे खुद सड़कों पर निकले हुए थे और ये तत्परता से जांच करते हुए नज़र आ रहे थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विक्रम भदौरिया अमेठी से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विक्रम मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से पुलिस ने यह जागरूकता चेकिंग अभियान चलाया है और इस दौरान पुलिस खुद सड़कों पर उतरकर लोगों के चालान काटते हुए नजर आ रही है अब तक पुलिस कैसे लोगों को और जागरूक कर पाई है और इस दौरान पुलिस क्या कुछ लोगों को सतर्क रहने के लिए क्या कुछ लोगों को कह रही है। जी बिल्कुल बता दें कि अमेठी में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान निकल गई यातायात माह की हवा। यातायात माह में लगातार जागरूकता चेकिंग अभियान का अमेठी में नहीं हुआ असर। पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में चला चेकिंग अभियान अमेठी में कस्बे में एसपी की मौजूदगी में पुलिस ने बिना हेलमेट के कई वाहनों का हुआ चलान। एसपी के निर्देश पर हेलमेट के अभाव में पुलिस ने सीज किया 2 पहिया वाहन। अमेठी कस्बे में चला था चेकिंग अभियान। विक्रम मैं आपसे यह जानना चाहूंगी अब तक कितने वाहनों के चालान काटे गए हैं।
जी, वाहन चेकिंग के दौरान दो वाहनों का चालान किया गया था और अन्य पर कार्यवाही जारी थी लगातार। पुलिस ने जागरूकता चेकिंग अभियान जो चलाया है, इसका कितना असर अब लोगों पे देखने को मिल रहा है? जी, जिस तरह से बात की जाए अमेठी में, तो अमेठी एसपी की जागरूकता नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वह यातायात प्रभारी लगातार जागरूक करते रहते हैं, लेकिन वही इस पर जनता पर इसका कोई असर खास देखा नहीं जा रहा है। जहां लोग जागरूक होकर के हेलमेट लगाएं और सुरक्षा हेतु हेलमेट बना हुआ है, सुरक्षा से बच सके। चलिए विक्रम, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के फतेहपुर जिले के खखरेडू थाना क्षेत्र में तारापर गांव में स्थापित सदाशिव इंटर कॉलेज कुली खररेडू विद्यालय में तैनात टीचर में एक छात्र की पिटाई करने से सर फोड़ दिया गया है। साथ ही जिसे परिजनों ने आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घायल छात्र को बताया गया है कि मैथ का सवाल पूछे जाने पर खड़े होकर देख रहा था। और साथ ही आपको बता दें कि ये कहा गया है कि ये वहाँ के बच्चों के द्वारा कहा गया है कि मैथ के सवाल का आंसर नहीं देने के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। और साथ ही बता दें कि टीचर को गुस्सा आ गया और इस दौरान उसने छात्र की पिटाई कर दी, जिससे छात्र के सर पर काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से छात्र घायल दिखाई दे रहा है। और साथ ही बता दें आपको कि छात्र के परिजन ने थाने में पहुँच कर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही DIOS को पूरे मामले में प्राध्यापक से पूछताछ करने के लिए टीचर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सर जी, काहे का मारी? सवाल पूछवा समझा वर रहे हैं। मैं ठाड़ होकर देखे लागो, बस किसी आ गए भी आए हैं जल्दी से नहीं, बस उठा पटक दिए ने। एक बार नहीं समझा? नहीं। कौन गांव आई थी? तारापर। कौन जाता है? कुरमे मुंजवा। मुंजवा, चल ठीक है। स्कूल कौन स्कूल है? श्री सदाशिव इंटर कॉलेज कुली फतेहपुर। नाम तोर का? प्रमोद। प्रमोद पर गांव? गांव बरार। खररेडू थाना क्षेत्र के एक सदस्य इंटर कॉलेज में एक बच्चे के साथ पिटाई की गई, जिससे उसका सर फट गया। सर, क्या था पूरा मामला, क्या कार्रवाई हुई है? सर, ये प्रकरण आपने अभी मेरे संज्ञान में लाया है, तो सर्वप्रथम तो ये है कि जो ये विद्यालय हमारा वित्तहीन है, और जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मेरी प्रधानाचार्य से वार्ता हुई। उसमें सबसे पहली गलती तो प्रधान तंत्र की ये है कि वो टीचर जो है अनट्रेंड है। अनट्रेंड मतलब अप्रशिक्षित है। इसका मतलब ये होता है कि वो ये जानता ही नहीं कि हमें बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करना हो। ये घटना घटी है, मुझे भी पता चला है, और इसमें संज्ञान में आया कि शायद FIR भी हुई है, और पुलिस अपने हिसाब से कानूनी वैधानिक कार्रवाई करेगी। जो विभागीय कार्रवाई है उसे हम अपने स्तर से अमल में लाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बबलू सिंह फतेहपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। बबलू, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये छात्र की पिटाई का मामला है, कैसे क्या कुछ ये मामला है, पहले विस्तार से बताएं। जी सुमन जी, मैं आपको बता दूं कि ये खखरेडू थाना क्षेत्र का है, फतेहपुर जिले के खखरेडू थाना क्षेत्र के कुल्ली गाँव में ये स्कूल खुला हुआ है, जो की निजी विद्यालय है, जिसका नाम सदाशिव इंटर कॉलेज कुल्ली फतेहपुर है। यहाँ पर एक कक्षा 7 का छात्र है प्रमोद कुमार, जो कि अपने विद्यालय में जाता है और कक्षा अटेंड करता है। कक्षा अटेंड करने के दौरान ही जब अध्यापक मैथ के सवाल पढ़ा रहा होता है, उसी दौरान छात्र अध्यापक के पास तक जाता है और वहां पर सवाल देखने लगता है। इस पर अध्यापक झुल्ला जाते हैं और उसके बाल पकड़कर उसे पीटने लगते हैं। बाल पकड़कर पीटते हैं और उसके बाद उसे फर्श पर पटक देते हैं, जिसके उसके सर फटने से गंभीर चोटें आ जाती हैं। गंभीर चोटों के चलते
अध्यापक वहां से मौके से फरार हो जाते हैं और इस मामले को लेकर छात्र उस अध्यापक साथी छात्र उसको जो है अस्पताल तक पहुंचाने का काम करते हैं और वहां पर एडमिट करके उसका इलाज कराते हैं। जब तक परिजन पहुंचते हैं और इस मामले को लेकर थाने पहुंचते हैं तो उन पर दबाव बनाया जाता है सुलह समझौते के लिए। इस तरीके से अनट्रेंड टीचरों के माध्यम से वहां पर पढ़ाई की जा रही है। इस मामले पर जब DIO देवकी नंदन फतेहपुर जी से बात की गई तो उन्होंने भी ये बात बताई कि वहां पर विद्यालय में अनट्रेंड टीचर भरे गए हैं प्रबंध तंत्र द्वारा। इस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है शिक्षा विभाग में, जबकि योगी सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके शिक्षा को बेहतर करने की व्यवस्था कर रही है, अध्यापक ट्रेंड भर्ती कर रही है, लेकिन यहाँ फतेहपुर जिले में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। शायद यह प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही है। एक छात्र की जान जा सकती थी लेकिन छात्र अभी भी गंभीर है और इस मामले को लेकर थाने में वह लिखित तहरीर देता है, FIR चाहता है और उस अध्यापक पवन कुमार पर कार्रवाई की मांग करते हैं परिजन। लेकिन अभी तक इस मामले पर किसी भी तरीके की FIR दर्ज नहीं की गई है, उस पर दबाव बनाया गया है, गांव पहुंचा गया है। वो एक पीड़ित छात्र है, गरीब परिवार का है, जिस कारण उसे दबाव बनाकर उसकी तहरीर तक वापस करा दी गई है। जी चलिए बबलू, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा आज अमेठी पहुंची है, जहां पर पूर्व मंत्री अजय राय की अगुवाई में अमेठी ये यात्रा पहुंची है, जहां पर कई दिग्गज नेता वहां शामिल हुए हैं, जिसमें पूर्व आपको बता दें कि MLC दीपक सिंह के साथ कई नेता वहां उपस्थित रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय का ये यात्रा निकाली गई है और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अमेठी में ये कांग्रेस की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है वे अमेठी पहुंची है और कई दिग्गज नेता यहाँ पर दिख रहे हैं। अमेठी में CM योगी के जीरो टॉलरेंस फेल होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जिला पंचायत राज अधिकारी एक और कारनामा सामने आया है। दरअसल बिना काम पूर्ण कराए करोड़ों का भुगतान कर दिया गया है, साथ ही अभी गांव में सोखता टैंक बनाने का काम चल रहा है। गांव में सोखता टैंक बनने के लिए आए तो कितना पैसा आया था इसके लिए? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो है गांव को मॉडल बनाने के लिए 44 ग्राम पंचायतों को इस वित्तीय वर्ष में चयन किया गया है, जिसमें ठोस और द्रव के कचरे को निकासी के लिए उसमें सारे काम कराए जाने हैं। कितने पैसे आए थे? 17 करोड़ के लगभग इस पर अभी सही से फिलहाल जा रहा है। कितने बने हैं अभी, कितना पैसा भुगतान किया जा चुका है? 2 करोड़ के लगभग भुगतान हुआ है, 2.5 करोड़ के लगभग। कितने गांव में काम चल रहा है इसका? वर्षों काम चल रहा है, 44 ग्राम पंचायत। कौन बनाता है सोखता टैंक? ग्राम पंचायत बनाती है। अच्छा, ठेकेदारों क्या रो रहे थे? ठेकेदार इसमें कोई रोल नहीं है, ठेकेदार ग्राम पंचायत अपने हिसाब से जिससे काम लेबर मिस्टेंस कराते हैं, इसमें ठेकेदारी कोई दिक्कत नहीं। कई जगह शिकायत मिली, काफ़ी अनियमितता जहाँ ऐसी जाँच में पाई जाएगी, जहाँ भी पाई जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और संबंधित सचिव प्रधान के खिलाफ कार्रवाई कराने की व्यवस्था। फिटजाबाद के थाना सरसागंज के क्षेत्र के पास गुंजन चौक के पास मंगलवार को बेटी को दवा दिलाने जा रहे बाइक सवार और एक ट्रक ने टक्कर मार दी है, साथ ही घटना में पिता बेटी की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना के बाद ही मौके पर पहुंची परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। साथ ही बता दें कि आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों की सूचना पुलिस को दी है। वहीं सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष सरसागंज उदयवीर मलिक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इसके साथ ही परिजनों ने जानकारी होने के बाद मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं पुलिस भी ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मृतक रक्षपाल सिंह हुसैनपुर बिरजुआ स्थित संत मनीषानंद जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। चाचा का एक्सीडेंट हुआ है मेरे। क्या नाम है आपके? रक्षपाल सिंह। और कौन था उनके साथ? एक लड़की थी उनके साथ। उनकी कहाँ से आ रहे थे? कहाँ जा रहे थे? गांव से आ रहे थे, सरसागंज जा रहे थे दवा लेने। कौन सा गांव? नंगला जवाहर। कहाँ एक्सीडेंट? गुंजन चौक पर। दोनों लोगों के क्या क्या नाम है? चाचा का नाम रचपाल है और उनकी लड़की का नाम सपना है।
क्या काम करते थे? प्राइवेट टीचर है स्कूल में। कौन से स्कूल? संत मुनिसानंद जूनियर हाई स्कूल। नंगला जवार से आ रहे थे सिरसागंज दवाई लेने बेटी की। कहाँ जा रहे थे? सिरसागंज। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मतलब नंगला जवार से सिरसागंज आ रहे थे बेटी की दवाई लेने। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? जी एक्सीडेंट हुआ है जी गुंजन चौक पर। क्या स्थिति है अभी? अभी कुछ पता नहीं मेरे को। किससे एक्सीडेंट हुआ है? टैंकर से बताया जा रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।